हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास फाइव का NSO, ठीक है? क्लास फाइव का NSO और ये चैप्टर है वन। तो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। साथ में जो भी एक्स्ट्रा डिटेल होगी मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला चैप्टर आपका एनिमल के बारे में है और इसमें किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन दे रखे हैं ये जानना ज़रूरी है। तो जैसे ये हो गया आपका हैबिटेट, बॉडी कवरिंग्स, ब्रीदिंग मेथड्स, माइग्रेशन एमंग एनिमल्स, मूवमेंट्स इन एनिमल्स, एडाप्टेशन, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बेबी ऑफ एक्स ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स वेयर एडल्ट एक्स ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड एक्स कुड बी। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब वो बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, तो ये अपने गिल्स से सांस लेता है जैसे कि अपनी मछलियां सांस लेती हैं। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तो ये अपने लंग्स से सांस लेता है। तो ये कौन सा है? तो ये है आपका फ्रॉग। क्या है? फ्रॉग। देखिए फ्रॉग के बच्चे को टैडपोल कहते हैं। टैडपोल जब छोटा रहता है, ठीक है ना, तो पानी में अपने गिल्स के थ्रू सांस लेता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो बड़ा होकर क्या बनेगा? मेंढक बनेगा, फ्रॉग बनेगा। तो वो अपने किससे? स्किन से सांस लेगा, अपनी स्किन से सांस लेता है, मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है, ठीक है, लंग से सांस लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच कॉमियोफ्लॉग। कॉमियोफ्लॉग का मतलब ये होता है कि इसमें से ऐसा कौन सा जानवर है जो अपना कलर सराउंडिंग के हिसाब से बदल लेता है। तो आपका कैमलियन यानी कि गिरगिट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, सेलेक्ट द ऑड वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग के हिसाब से इसमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो आपका स्नेक होता है, आपकी लिजर्ड यानी कि जो छिपकली होती है, और साथ ही साथ जो आपकी ये फिश होती है, इनके बॉडी में क्या होता है? इनके बॉडी पे स्केल्स पाए जाते हैं, SCA स्केल्स, ठीक है ना, स्केल्स पाए जाते हैं, उनकी बॉडी स्केल से कवर होती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी चींटी होती है, चींटी की बॉडी स्केल से कवर नहीं होती है, ठीक है ना। जो एंट होती है उसकी बॉडी किस चीज़ से कवर होती है? तो ये होती है क्यूटिकल से, CUTICLE। क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पे इनकरेक्ट मैच कौन सा दे रखा है? तो देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट मैच आपका है ऑप्शन नंबर सी, कंगारू। कंगारू रनिंग नहीं करता है, कंगारू क्या करता है दोस्तों? कंगारू आपका हॉपिंग करता है यानी कि कूद कूद के चलता है, ठीक है ना, रनिंग नहीं करता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट आर द अडेप्टेशन फॉर फ्लाइट इन द बर्ड। देखिए उड़ने के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, अडॉप्टेशन कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या क्या होगा? हॉलो बोन्स, रिड्यूस बॉडी मास, बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है। उसके बाद है उनकी हड्डियाँ क्या होती हैं, अंदर से खोखली होती है जिनमें हवा भर जाती है, और हवा भरने के बाद उनकी बॉडी हल्की हो जाती है। फिर अगला है फीदर्स कवरिंग देयर बॉडी, और जो फीदर्स यानी कि जो पंख होते हैं उसको पूरी बॉडी को कवर करता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। थर्ड नंबर है स्टीम लाइन बॉडी लार्ज यूनरी ब्लड। देखिए ये गलत है, स्टीम लाइन बॉडी की होती है, ठीक है ना, लेकिन इनके पास यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता है, लार्ज यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। अगर लार्ज होगा तो ये इनको उड़ने में दिक्कत होगी, ठीक है, तो ये गलत है। विंग्स विथ पावरफुल मसल्स, बिल्कुल ठीक है, और इनकी जो विंग्स होती हैं उनकी जो मसल्स होते हैं पावरफुल है, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर सही कौन सा है? पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, विच वन ऑफ दिस द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वे इन विच दे आर एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो यहाँ पे देखिए ओकरा वेल है और यहाँ पे शार्क है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या है, वन हैज़ कम टू वाटर सर्फेस टू ब्रीथ। देखिए जो वेल है, वेल क्या करती है, ये ऊपर आती है, इनके बॉडी में यहाँ ऊपर के टाइप में क्या बना होता है, होल बना होता है, जिससे ये वाटर के सरफेस पे आती हैं और वहाँ पे सांस लेती हैं, ठीक है। लेकिन शार्क के पास क्या होती हैं, गिल्स होती हैं, तो ये यहाँ से अपना सांस लेती है, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर सेवन,
क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, इज द कार्निवोरस इट हैज शार्प पॉइंटेड टीथ। तो कार्निवोरस वो जानवर होते हैं जो दूसरों को मार के खाते हैं, यानी कि जो मांस खाते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइगर कैनाइंस। ठीक है, तो उनके पास देखिए टाइगर के दांत आपने देखे ना, टाइगर के दो दांत इस तरीके से आगे निकले होते हैं। ठीक है, तो यही वाले जो दांत बड़े वाले होते हैं इन्हें हम बोलते हैं कैनाइंस। और जो हाथी के भी दो दांत बाहर निकले रहते हैं ये भी आपके क्या होते हैं, कैनाइंस वाले दांत होते हैं। लेकिन हाथी क्या है, हर्बीवोरस है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, टाइगर कार्निवोरस कैनाइंस। ठीक है, क्योंकि दांत कैनाइन ही होता है और टाइगर के भी होते हैं और टाइगर कार्निवोरस है, तो इसका ये आंसर बनेगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। पहला लिखा है, आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स ब्रीडिंग ग्राउंड एंटार्कटिक टू आर्कटिक इन समर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड और फोर्थ। तो सेकेंड में क्या है, मोनार्च बटरफ्लाइज ट्रेवल फ्रॉम द कनाडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो देखिए मोनार्क जो बटरफ्लाइज होती हैं वो क्या करती हैं, वो विंटर सीजन में कनाडा से कहाँ चली जाती हैं, मैक्सिको चली जाती हैं। फिर फोन नंबर, साइबेरियन क्रेन्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर। तो साइबेरिया कंट्री है, वहाँ की जो क्रेन्स है वो कहाँ पे आती हैं, इंडिया में आती हैं। तो इंडिया में कहाँ पे आती हैं, भरतपुर पक्षी विहार जो आपका कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा सही है, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। देखिए सैलमन्स जो होते हैं ये आपके कहाँ पे रहते हैं, सी में रहते हैं। ठीक है ना, और ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और कहाँ पे जाते हैं, रिवर में। और रिवर में क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो आर्कटिक टर्न है ना, आर्कटिक टर्न अंटार्कटिक टू आर्कटिक तो जाते ही हैं, लेकिन ये कब जाते हैं, समर में नहीं जाते हैं, ये कब जाते हैं, विंटर में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द एनिमल। देखिए कंगारू रैट है, कंगारू रैट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि सिमिलर हैबिटेट यहाँ पे कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा, देखिए क्या दिया है, पेंगुइन है और आपका ये है कैमल। तो देखिए कंगारू रैट जो है ये आपका डेजर्ट एरिया में पाया जाता है और इसको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ कैमल भी जो होता है उसको भी पानी की कम ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ पे आपको वेन डायग्राम में केयरफुली आपको लिखना है। हम क्या लिखेंगे, देखिए स्टडी द वेन डायग्राम केयरफुली टैडपोल। टैडपोल के लिए यहाँ पे हाँ हम किस डायग्राम में रखेंगे कि वो यहाँ पे फिट बैठे। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर। ठीक है, देखिए आर में क्या है, आर में सिर्फ एक ही चीज़ लिखा हुआ है, ब्रीथ थ्रू द गिल्स। तो आपको पता है टैडपोल अपना सांस कहाँ से लेता है, गिल्स से लेता है, और स्किन से जो सांस लेता है जब ये फ्रॉग यानी कि मेढक बन जाता है, और लंग्स भी तभी। तो यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे, तो टैडपोल के लिए सिर्फ क्या सही है, गिल्स वाली चीज़ें सही हैं। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आर, ए। सेलेक्ट द एनिमल पेयर हु द सिमिलर ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो यानी कि दोनों लोग की ब्रीदिंग मैकेनिज्म किसकी किसकी सेम है, तो ये है आपकी टर्टल और लिजर्ट की। ठीक है ना, टर्टल और लिजर्ट किससे सांस लेते हैं, लंग्स से। ठीक, लंग्स टू ब्रीद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, देखिए ईल्स माइग्रेट फ्रेश वाटर रिवर टू ले एग्स। ठीक है, तो जो ईल्स होती हैं वो कहाँ पे करती हैं, सी सी से कहाँ जाती हैं, फ्रेश वाटर में। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस एमंग द माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे सही हैं। ठीक है ना, देखिए वेल्स ट्रेवल टू कोल्ड वाटर फॉर फीडिंग, टू वार्मर वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन। यानी कि जो वेल्स होती हैं वो ठंडे पानी से कहाँ पर जाती हैं, गर्म पानी में जाती हैं अंडे और रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना, और कुछ बटरफ्लाइज भी होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो ईल आपकी फ्रेश वाटर में नहीं, कहाँ पर जाती हैं, सी में जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या है, देखिए ये जो जानवर है इसका नाम है आर्मेडिल्लो। ठीक है ना, ये बहुत तेज़ी से सुरंग खोजता है। तो यहाँ पे इसके बारे में क्या बताया गया है, तो इसका आंसर आपका पूछा है कि इसके बारे में क्या करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ एन ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है, ऐसे जानवर जो साग सब्जी भी खाते हैं और साथ ही साथ मांस भी खाते हैं, उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, 14 पे आते हैं। 14 में क्या है, वेन डायग्राम यहाँ पे हमें ठीक करना है। तो क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला
ऑर्गेनिज्म एक्स कैन बी बैट, एक्स की जगह पे हम बैट लिख सकते हैं, बैट के पास विंग्स भी होता है, फीदर्स होता है, बिल्कुल भी नहीं, तो पहला गलत, ठीक है, ये भी गलत हो गया। ऑर्गेनिज्म वाई कैन बी पेंगविन, वाई की जगह पे हम पेंगविन लिख दें, ठीक है, इसके पास क्या होता है, पेंगविन के पास आपका विंग्स होते हैं, दो विंग्स होते हैं, ठीक है, फिर आगे लिखा है एंड जेड बी ईमू, फीदर्स होते हैं जेड के पास, ठीक है, ये तो ठीक है। अगला है देयर इज सो मच ऑर्गेनिज्म एज एक्स, ठीक है, तो देखिए ऐसे जिसके पास विंग्स और फीदर्स दोनों होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन रहा है, ठीक है ना, वो आपका बन रहा है ऑल ऑफ दिस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, रीड द फॉलोइंग एडॉप्टेशन ऑफ द एनिमल फॉर द ग्रास लैंड हैबिटेट, तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे ये बताया गया कौन प्री है, प्रे है और प्रीडेट है, प्रे का मतलब क्या होता है, जो शिकार करता है, नहीं जो खाने वाले होते हैं, और प्रीडेटर का मतलब शिकारी, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज कैन बी बी ट्राई इन साइड देयर टो, तो देखिए ये जो प्रे होते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, प्रे, ठीक है, देखिए अगला है सेकंड नंबर दे हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, तो देखिए यहाँ पे जिनकी आंखें दोनों साइड अलग अलग होती हैं, ठीक है, वो प्रेडेटर में आपके आते हैं, जैसे कि आपके जो शिकार करते हैं, ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड नंबर प्रेडेटर में, ये प्रेडेटर की क्वालिटी है। थर्ड नंबर है दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट हिंड टीथ ऑफ द च्यूइंग, यानी कि जो पीछे के दांत होते हैं वो चौड़े होते हैं, तो ये हर्बीवोरस में आते हैं, यानी कि प्रे हैं, ठीक है ना। अगला है फोन नंबर दे मूव इन हर्ड, और ये हर्ड में चलते हैं, तो ये भी क्या है, प्रे हैं, ठीक है ना, क्या है, प्रे हैं, पी आर ई वाई, प्रे, फोन नंबर भी प्रे है। और फाइव नंबर दे हैव आइज फ्रंट ऑफ देयर फेस, और जो शिकारी होते हैं उनके दोनों आँख उनकी आँखों के सामने होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल भी ठीक है, तो ये आपका प्रीडेटर में आ जाएगा, प्रीडेटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रे होते हैं, प्रे की जो आँखें होती हैं वो उनके साइड्स के अलग अलग साइड पे होती है, जैसे कि गाय है, गाय की देखिए एक आँख आपकी राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है। उसके बाद है सो दे कैन क्लियरली सी द प्रीडेटर, तो इसलिए क्या होता है, ये प्रीडेटर को बहुत जल्दी से देख लेते हैं किसी भी साइड से, अगर वो दोनों साइड से आ रहे हैं तो। दे हैव लॉन्ग स्टैन, और इनकी जो पीछे के दांत होते हैं वो चौड़े होते हैं, स्ट्रांग होते हैं चबाने के लिए, जैसे कि घास, और ये ज़्यादातर झुंड में रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए द एनिमल हैव द बेटर क्वालिटी टू सी अप्रोचिंग डेंजर एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, यानी कि जब वो देखते हैं कि हमारे पास कोई खतरा आ रहा है तो ये लोग भागते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रेडेटर्स जो होते हैं, प्रेडेटर के जो क्लॉ होते हैं यानी उनके जो पंजे होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, और ये अपने प्रे को क्या करते हैं, पकड़ते हैं और उनको काटते हैं, खाते हैं, ठीक है, चलिए। और इनके यहाँ खाके होने की वजह से, सामने होने की वजह से किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियरली से देख सकते हैं, तो इसमें आंसर क्या बनना है, पहला, तीसरा और चौथा जो है ये आपका प्रे है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। विच ऑफ दीज एनिमल्स कॉकरोच एंड फ्रॉग रिस्पेक्टिवली, तो क्रॉक और फ्रॉग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए जो आपका कॉकरोच होता है ना, ये अपने स्पेरिकल से आपका क्या लेता है, सांस लेता है, ठीक है ना, तो पी जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, कॉकरोच को, ठीक है ना, तो पी चलिए कॉकरोच के लिए हो गया। और उसके बाद है सेकंड क्या पूछा है, फ्रॉग, फ्रॉग क्या क्या होगा, फ्रॉग किसको कर रहा है, ब्रीथ थ्रू स्किन, स्किन के से ये सांस लेता है, कौन, फ्रॉग, तो फ्रॉग को कौन रिप्रेजेंट करेगा, क्यू, तो इसका आंसर बनेगा पी एंड क्यू, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 17 टू 19 में, रिफर टू द गिवन ग्राफ शोन इन द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ टू प्लेसेस एक्स एंड वाई ओवर द ईयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द एनिमल फाउंड द प्लेस एक्स शुड बी हैविंग एडॉप्टेशन, देखिए कोई जानवर आपका कहाँ पे एक्स पे है और यहाँ का टेम्परेचर कितना है, लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब एडॉप्टेशन के लिए यहाँ पे क्या सही है,
देखिए अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये लगभग 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो मौसम होगा वो कैसा होगा, हॉट होगा, ड्राई होगा, ठीक है, ड्राई प्लेस होगा। और एनिमल्स लिविंग देयर एडाप्टेशन देमसेल्फ टू रिड्यूस स्वेटिंग इन द ऑर्डर ऑफ प्रिवेंट। देखिए और यहाँ पे जो जानवर रहते होंगे उनकी बॉडी का एडाप्टेशन ऐसा होगा कि मान लीजिए बहुत गर्मी पड़ रही है लेकिन ये एडाप्टेशन के हिसाब से अपने आप को ऐसा बनाए होंगे कि इनके बॉडी से पसीना कम से कम निकले। कम से कम निकलेगा तो क्या होगा कि इनके इनके बॉडी से जो वाटर का लॉस होगा वो कम होगा, ठीक है। तो इसका एडाप्टेशन किस लिए इनका होगा, रिड्यूसिंग स्वेटिंग के लिए, ठीक है ना, यानी कि इनका पसीना कम से कम निकले। तो इसी को एडाप्टेशन कहते हैं कि हमारे आसपास का जैसा मौसम है हम उसको उस तरीके से ढाल लें। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर, द एनिमल लिविंग इन वाई शुड बी हैविंग एडाप्टेशन लाइक। अब देखिए वाई में जो रह रहा है तो वाई का जो टेम्परेचर है वो देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, कूलर है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ के एनिमल के पास क्या होनी चाहिए, इसके बॉडी पे जो स्किन होनी चाहिए वो मोटी होनी चाहिए और साथ ही साथ थिक होनी चाहिए और फर होना चाहिए इसकी स्क्रीन पे, जिससे ये क्या रख सके, इसकी बॉडी को गर्म रख सके, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थिक लेयर ऑफ फर, यानी कि जो फर होते हैं उसकी जो लेयर होनी चाहिए वो मोटी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, इन द गिवन ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द एनिमल मे लिव एट दिस प्लेसेस। तो 19 पे आएंगे तो 19 पे देखिए एक्स में कौन रह सकता है, एकदम गर्म जगह पे, तो गर्म जगह पे रहता है आपका रैटल स्नेक, यानी कि डेजर्ट एरिया में रहता है आपका रैटल स्नेक, और डेजर्ट एरिया में आपकी गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। और वाई ठंडी जगह पे कौन रह सकता है, तो ठंडी जगह पे आपका रहेगा स्नोई आउल, ठीक है ना। देखिए कैमल भी आपका डेजर्ट में रहता है, वॉलरस आपका पानी में रहता है, स्कॉर्पियन भी आपका कहाँ पे रहता है, ये तो कहीं भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्नोई आउल, स्नोई का मतलब होता है जो बर्फ़ वाली जगह पे उल्लू रहते हैं वो। तो इसका देखिए आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो वॉलरस होता है ना, वॉलरस भी आपका कहाँ पे रहता है, आइस पे रहता है, कहाँ पे रहता है, आइस पे रहता है, ठीक है, मतलब ठंडी जगह पे रहता है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रैटल स्नेक एंड वॉलरस, समझ में आ गया। तो देखिए जो पैगविन और वॉलरस हैं ये सब पोलर हैबिटेट हैं, पोलर का मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे ये लोग रहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, एनिमल एक्स हैचेस फ्रॉम इज द प्लेस पी एंड गोज टू क्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसा एनिमल है जो अंडे से निकला, ठीक है ना, पी से क्यू तक गया और अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड किया, व्हेन रिप्रोडक्शन इज कम, और जब रिप्रोडक्शन आता है तो ये क्या करता है, ये अंडे देता है और मर जाता है, ठीक है। तो ये कौन है, तो ये इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सैलमन, ठीक है ना। देखिए सैलमन फिश जो होती है वो उसकी अर्ली लाइफ कहाँ पे होती है, रिवर में, ठीक, और जब ये बड़ी हो जाती है तो ये कहाँ पे आती है, स्विम सी में आती है, समुद्र में आती है, और समुद्र में क्या करती है, ये पूरा अपना लाइफ टाइम रहती है, पूरी लाइफ यहाँ पे भी जाती है। लेकिन जैसे ही जब ये मेच्योर होती है यानी कि बड़ी होती है तो ये फिर से रिटर्न जाती है, कहाँ पे जाती है, रिवर के रिवर में जाती है और वहाँ पे क्या देती है, अंडे देती है, ले एक्स, ठीक। आफ्टर स्पॉनिंग जब ये वहाँ से चल आती है तो ये फिर से कहाँ पे आ जाती है, फिर से ये पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक, पैसिफिक ओशियन में आती है, ठीक है ना, पैसिफिक सैलमन्स एंड मोस्ट अटलांटिक सैलमन्स आर डाई, और जब ये वहाँ से आती हैं अंडे देने के बाद तो ये क्या होती हैं, मर जाती हैं, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। साथ ही साथ देखिए सैलमन फिर ये अंडे देने कहाँ जाती हैं, रिवर में जाती हैं, और फिर जब ये यहाँ पे आती हैं कहाँ पे, सी में रिटर्न आ जाती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखिए अगर आप मुझे गूगल पे कुछ पे करना चाहते हैं, मेरी कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर लिख लीजिए 7707 9891 6। हो देखिए कई बच्चे इस तरीके से मेरी हेल्प करते रहते हैं, तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 7007 9891 6 ये मेरा गूगल पे नंबर है, आप सेंड कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं, और करना चाहते हैं तो, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देख के आपको मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है, कमेंट में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।